छोड़ो ना उसको, त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये, जो मेरे बारे में कई तरह की बात की जा रही थी कि बड़ी कृपा कर दी गई इनको विधान परिषद की सदस्यता देकर, उपेंद्र कुशवाहा किसी की कृपा के तले व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं रह सकता है, यह बात तो पहले ही से लोगों को मालूम है। राज्यसभा की सदस्यता सौंपते हुए भी हमने यही कहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने आज बिहार विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी, आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद पहुँचे और वो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर जो विधान परिषद का सभापति हैं दिवेश चंद ठाकुर, उनको इस्तीफा सौंप दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं सौंपने के बाद उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बात। जिस दिन पार्टी की घोषणा की थी उसी दिन हमने कहा था कि विधान परिषद की सदस्यता का भी परित्याग हम कर देंगे। निर्णय मेरा उसी दिन का था, कुछ औपचारिकता बाकी थी क्योंकि माननीय सभापति जी नहीं थे। हमने उसी दिन दूरभाष पर उनसे संपर्क किया, बिहार से बाहर थे, आज का वक्त निर्धारित हुआ और उसके अनुसार मैंने जाकर इस्तीफा सौंप दिया विधान परिषद की सदस्यता से। और सौंपते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहते हैं कि त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये, जो मेरे बारे में कई तरह की बात की जा रही थी कि बड़ी कृपा कर दी गई इनको विधान परिषद की सदस्यता देकर, उपेंद्र कुशवाहा किसी की कृपा के तले व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं रह सकता है, यह बात तो पहले ही से लोगों को मालूम है। राज्यसभा की सदस्यता सौंपते हुए भी हमने यही कहा था, क्योंकि राजनीति हम व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं करते हैं। किसी को भी अपनी सुख सुविधा के लिए वैसी कुर्सी, जो कुर्सी सिर्फ व्यक्तिगत सुख सुविधा दे, वैसी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है लोगों को कैसे न्याय मिले, जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं उनको कैसे न्याय दिला पाए, इस बात के लिए ताकत सत्ता की भी मिलती है, तो इसका इस्तेमाल इन्हीं बातों के लिए करना चाहिए। जिस कुर्सी पर थे हम, उस तरह की कुर्सी भी मिलती है राजनीति में, उसका इस्तेमाल भी लोगों की सेवा के लिए की जाती है। लेकिन लोगों की सेवा के लिए वह कुर्सी न रह जाए तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। मेरे लिए यह कुर्सी सेवा के लिए अब नहीं रह गई थी, उल्टे मेरे ऊपर कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा यह एहसान उपेंद्र कुशवाहा पर किया गया है। वैसा यह एहसान उपेंद्र कुशवाहा लेकर नहीं चलता है। हमने पहले भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कभी जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकता है। अपनी जमीर हम बेचते, आराम से कुर्सी पर बने रहते, लोगों की चिंता नहीं करते तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों की चिंता करनी है, इसलिए सदन छोड़कर हम सड़क पर जा रहे हैं। यह निर्णय हमने लिया है और उसी निर्णय की औपचारिकता पूरी करने के लिए आज हम विधान परिषद में आए। सभापति जी को हमने त्याग पत्र सौंप दिया है। उस समय देखिएगा कि कौन कौन पार्टी मेरे साथ है। अमित शाह आ रहे हैं क्या, उनसे मुलाकात होगी आपकी? भैया उसमें मुलाकात कोई विषय है क्या? अपनी पार्टी का उनका कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में आ रहे हैं अमित शाह जी। उसमें मेरे मिलने का कहाँ कोई सवाल है कि मुलाकात होगी नहीं होगी, सवाल ही अजीब तरह का है। तो आपने साफ तौर पर सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा था पार्टी की ओर से कि उन्हें विधान परिषद बनाया गया है, तो उन्होंने साफ तौर पर सारी बातों को जवाब देते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा किसी का एहसान के तले नहीं रहता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जमीर बेच के अमीर नहीं बनते हैं उपेंद्र कुशवाहा। आज हम सदन को छोड़कर सड़क पर आ गए हैं और अपना इस्तीफा सभापति को सौंप दिए हैं। तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।